हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। सो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं रोज सीरम, जिसके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने फेस को बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट और ब्राइट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रोज़ सीरम बनाने के लिए हमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो है रोज़ पेटल्स। मैंने यहाँ पर कुछ रोज़ पेटल्स को सेपरेट करके एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया है। सो रोज़ के पेटल्स में बहुत ही सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमें हेल्प करता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कार्स एंड पिंपल्स एंड ऑल्सो हेल्प यू टू गेट दैट रोजी पिंक ग्लो। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम ऐड करेंगे वो है मिल्क। सो सीरम बनाने के लिए हम यहाँ पर 4-5 टेबलस्पून्स ऑफ रॉ मिल्क यानी कि अनबॉइल्ड मिल्क ऐड करेंगे। अब आप इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पर्पल कलर का रोज मिल्क मिक्सचर आ जाएगा। अब इस मिक्सचर को हम स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे। सो ये हमारा लिक्विड बनकर रेडी है। सो अब जो हमारे पास स्टेन करने के बाद मिक्सचर यानी कि लिक्विड आ गया था, उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, बट ट्राई कि आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ही यूज़ करें ताकि इसमें सीरम वाली कंसिस्टेंसी आ जाए। सो एलोवेरा को हमने जेल फॉर्म में ऐड करा है, इसलिए ये लिक्विड मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बट मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से मिक्स करें सो दैट इसमें कोई भी लम्स ना रहे। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है आमंड ऑयल। इसका मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन टाइप नॉर्मल है। अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो आप आमंड ऑयल का 1/2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, और अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तो आप 1.5 यानी कि 1.5 चम्मच के करीब आप आमंड ऑयल ऐड करेंगे। सो लास्ट इंग्रेडिएंट इज विटामिन ई कैप्सूल। ये भी मैं 1 कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। अब आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। आप नोटिस करेंगे कि इस सीरम की कंसिस्टेंसी काफी थिक है। नाउ आप इस सीरम को अपने पूरे फेस पर लगा सकते हैं बोथ एट डे एंड नाइट। ये रोज सीरम आपकी स्किन पर मिराकुलस वर्क करेगा और आपकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करने में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को इतना नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करेगा कि आपको कोई भी मार्केट बेस्ड सीरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके शेल्फ लाइफ की बात की जाए तो आप इस सीरम को 2 वीक्स के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डू गिव इट अ ट्राई एंड आई एम श्योर यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।